हेलो फ्रेंड्स, आरती क्रिएशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये नीटिंग हेडबैंड बनाना सीखेंगे। ये देखिए, जो कि स्टार्टिंग यहाँ से हुई है और इसमें मैंने 14 फंदों से स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पर हमने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये पहले बॉर्डर बनाया, फिर यहाँ कुछ फंदे ये हमने बढ़ाए हैं। उसके बाद स्ट्रेट बनाने के बाद घटाई की और फिर थोड़ा स्ट्रेट बॉर्डर बनाकर इसको बंद कर दिया। इस हेडबैंड को आप नेक वार्मर की तरह भी यूज कर सकते हैं। ईयर वार्मर और हेडबैंड तो ये है ही, और इसको आप फेस मास्क की तरह भी यूज कर सकते हैं। काफी ट्रेंडिंग और फैशनेबल हेडबैंड है ये। तो इसके लिए जो मैंने मटेरियल यूज किया है, ये देखिए, इसके लिए मैंने ये बुल्की यान लिया है, क्योंकि हेडबैंड जो है थोड़े थिक वूल में बनते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये लिया है। साथ में 5 नंबर की सिलाई ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 14 फंदे डालेंगे। ये देखिए, हमने 14 फंदे डाल लिए। अब इसके बाद हम कुछ रो जो है उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, हमने ये फर्स्ट सिलाई जो है सारी उल्टी उल्टी बना ली। इसी तरह से हम 11 सिलाई और उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, 6 लसरे ये जो होगी, 1 2 3 4 5 6 लसरे, यानी कि 12 सिलाई जो है हम दोनों तरफ उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए, 12 रो मैंने उल्टी उल्टी सिलाई बना ली, 2 4 6 लसरे और 12 रो। तो ये बनाने के बाद हम फर्स्ट 5 फंदे जो हैं वो उल्टे बनाएंगे। ये जो 5 फंदे, ये हर सिलाई में उल्टे ही बनेंगे, ये बॉर्डर के 5 फंदे हैं। ये 5 फंदे देखिए उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे, और उसके बाद बीच के 4 फंदे जो हैं हम सीधे बनाएंगे। ये 4 फंदे की केबल बनाएंगे हम। ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद इस तरह से एक फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट के 5 फंदे जो है वो उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई जो है हम सारी उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बना ली। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट भी हम इसी तरह से बनाएंगे, 5 फंदे उल्टे बनाएंगे। धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा बढ़ा लेंगे। उसके बाद बीच के जो 6 फंदे हैं, ये देखिए, ये हमने एक बढ़ाया था, 2 4 6 फंदे जो है हम सीधे बनाएंगे। ये 6 फंदे हमने बढ़ा लिए। इसके बाद हमने फंदा बढ़ाना है। उसके बाद ये जो 5 फंदे जो है लास्ट के बॉर्डर के, हमने उल्टे बनाने हैं और उल्टी सिलाई जो है उल्टी ही बनाएंगे। ये अब हम सीधी सिलाई में आ गए। सीधी सिलाई में फर्स्ट 5 फंदे जो है उल्टे बनाएंगे,
उसके बाद फंदा बढ़ाएंगे और दो फंदे और सीधे बनाएंगे। ये देखिए, अब इस साइड जो है हमारे पांच उल्टे हैं, तीन सीधे हैं, क्योंकि एक फंदा बढ़ाया, दो हमने अभी बनाए हैं। और इस साइड देखिए, चार फंदे जो है हमने केबल के बनाने हैं बीच का, और ये दो फंदे जो हैं हम सीधे बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर भी तीन फंदे हो जाएंगे। अब ये चार फंदे जो है हमने बीच में केबल बनानी है। केबल बनाने के लिए ये देखिए, पहले चारों फंदे उतार लेंगे और ये जो पीछे वाले फंदे हैं ये इधर इस सिलाई में उतारेंगे और ये वाले दो फंदे आगे की तरफ ले आएंगे इस तरह से, और ये हम चारों फंदे सीधे बना लेंगे। ये देखिए, ये केबल बन गई हमारी। और नेक्स्ट जो दो फंदे हैं सीधे बनाएंगे और ये पांच फंदे अभी रह गए हमारे बॉर्डर के, तो यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे और पांच फंदे उल्टे बनाएंगे। उल्टी सिलाई सारी उल्टी बनाएंगे। ये देखिए, पांच फंदे जो हैं बॉर्डर के मैंने उल्टे बना लिए। अब धागा पीछे ले जाकर इसको हम सीधा एक फंदा बढ़ा लेंगे। यहाँ पर फंदा बढ़ गया। अब जो ये बीच के फंदे हैं ये सब हमने सीधे ही बनाने हैं। हमने पहले दो सिलाई सीधी और दो उल्टी बनाकर पांचवी सिलाई जो हम बनाएंगे, दो सीधी दो उल्टी, मतलब चार सिलाई बन गई। उसके बाद पांचवी सिलाई में हम इस तरह से बल देके ये केबल बनाएंगे। केबल बनाने के बाद फिर दो सिलाई हम सीधी और दो उल्टी, मतलब चार सिलाई फिर बनाएंगे। और यहाँ पर हमारे जब चार फंदे हो जाएंगे, इस रो में हमारे चार फंदे हो जाएंगे। ये देखिए, ये तीन है, एक हमने बढ़ा लिया। अब नेक्स्ट रो में हमारे पास चार फंदे हो जाएंगे, तब हम यहाँ पर केबल बनाएंगे। यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर भी एक केबल बनाएंगे। इस तरह से हमारी केबल जो है डिजाइन वो बढ़ता जाएगा। आगे आप देख लीजिए, ये हमने सारे सीधे फंदे बनाने हैं। ये पांच फंदे रह गए बॉर्डर के, तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया और पांच फंदे उल्टे बना लिए। उल्टी सिलाई जो है हमने उल्टी बनानी है। ये देखिए, अभी ये जो हमने केबल बनाई थी उसके बाद हमने अभी एक सीधी और एक उल्टी सिलाई बनाई है, तो अभी एक और बनानी है। तो इसलिए हम पहले यहाँ पर फंदा बढ़ा के उसके बाद ये सीधे बनाएंगे और यहाँ पर फंदा बढ़ाएंगे और फिर एक उल्टी सिलाई बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर केबल बनाएंगे। वो मैं बना लेती हूँ एक सीधी और उल्टी, फिर आपको बताती हूँ क्या करेंगे। ये देखिए, मैं राइट साइड में आ गई। अब यहाँ पर देखिए, हमने पांच फंदे जो है बॉर्डर के उल्टे बना लिए। अब यहाँ पर एक फंदा बढ़ा भी लिया, तो अब हमने यहाँ पर तीन केबल बनानी है। पहले यहाँ पर जैसे चार फंदे की एक केबल बनाई थी, अब हमें बीच में बारह फंदे चाहिए। ये हम क्या करेंगे कि ये एक सीधा फंदा जो है हम यहाँ पर बढ़ाने के बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे। क्योंकि हमें बीच में बारह फंदे चाहिए तीन केबल बनाने के लिए। एक देखिए इसके बिल्कुल बगल में बनेगी चार फंदे की, फिर इसके ऊपर बिल्कुल चार फंदे की, ये देखिए इस तरह से, और फिर ये चार फंदे की ये केबल। तो पहले हम यहाँ पर बनाएंगे, ये चारों फंदे इस तरह से उतार लेंगे। ये जो दो फंदे हैं ये पीछे की तरफ ले जाएंगे और ये दो फंदे हम आगे ले आएंगे इस तरह से। चारों फंदे सीधे बना लेंगे
ये एक केबल बन गई, नेक्स्ट अब दूसरी बनाएंगे। ये चारों फंदे फिर हम सीधे बना लेंगे। नेक्स्ट चार फंदे जो है उसको उतारेंगे, ये दो फंदे इस तरफ ले जाएंगे और दो फंदे आगे की तरफ ले जाएंगे। इस तरह से ये चार फंदे सीधे बनाएंगे। और आगे एक फंदा जो है सीधा बना के एक बढ़ा लेंगे और पांच फंदे जो बॉर्डर के हैं उल्टे बना लेंगे। यहां पर देखिए पहले एक केबल बनाई थी, अब यहां पर तीन हो गई। और यहां से जैसे फंदे बढ़ते जाएंगे तो यहां और यहां एक और बढ़ जाएगी, दो तो पांच हो जाएंगी। तब तक हमारी विड्थ भी पूरी हो जाएगी। सेम इसी तरह से हम यहाँ पर चार फंदे बढ़ाकर केबल बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने तीन केबल बनाई है। उसके बाद साइड में हमारे पास दो फंदे हैं, दो फंदे सीधे हैं। तो अब दो फंदे हम और बढ़ाएंगे, उसके बाद हम बढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास फिर पांच केबल जब बन जाएगी तो हमारी विड्थ काफी हो जाएगी हेडबैंड की। तो हम उसके बाद जो है बिल्कुल सीधा बनाएंगे थोड़ा सा इस तरह से। ये देखिए ये हमने फिर सीधा बनाना है, एक दो तीन चार। ये देखिए यहाँ चार जो केबल है ये मैंने इस तरह से सीधी बनाई है। पांच पांच जो केबल बनी है वो चार बार बनी है। उसके बाद फिर हम घटाई शुरू करेंगे। तो उतना मैं बना लेती हूँ, फिर आपको बताऊंगी कि आगे क्या करेंगे। यहाँ पर जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी मैंने ये बना ली। देखिए यहाँ से मैंने बढ़ाना स्टार्ट किया था, अब ये स्ट्रेट बनाया इतना मैंने। उसके बाद ये देखिए हम अब यहाँ से घटाई स्टार्ट करेंगे। तो देखिए घटाई स्टार्ट करने के लिए हमें जब हम ये इस तरह से ये रो बनाएंगे केबल वाली रो, तो उसके जस्ट बाद हम नेक्स्ट रो में घटाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे हम मैंने ये केबल वाली रो बना ली, दो पहले दो सिलाई सीधी और उल्टी बनाई, फिर केबल बनाई। तो उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो सीधा उल्टा बनाते हैं तो इसमें हम घटाई करेंगे। घटाई करने के लिए सेम पहले पांच फंदे जो है हम उल्टे बनाएंगे बॉर्डर के, उसके बाद धागा पीछे ले जाकर अब हम दो का एक करेंगे। यहां पर हमारा एक फंदा घट गया। इसी तरह से हम लास्ट में भी एक फंदा घटाएंगे। ये देखिए इस तरफ से जो हम फंदा घटाएंगे ये ऊपर से इस तरह से दोनों नहीं लेंगे दो फंदे, ये हम पीछे की तरफ से इस तरह से लेकर और ये घटाएंगे और बॉर्डर के पांच फंदे उल्टे ही बनाएंगे। उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हम सीधी सिलाई में आ गए। अभी हमने ये रो भी एक सीधी और उल्टी बनानी है, तो इस तरह से इसमें भी हम साइड से एक फंदा घटा देंगे। सेम वैसे ही पहले की तरह बनाएंगे और एक फंदा इस तरफ से घटा देंगे, उल्टी सिलाई उल्टी बनाएंगे। ये देखिए हमने अब दो सीधी और दो उल्टी सिलाई बना ली। अब इस रो में हमने केबल बनानी है, तो केबल बनाने के लिए पहले फर्स्ट जो सिलाई है ये दो फंदे हैं, फर्स्ट दो फंदे तो हम ये एक साथ बुनेंगे। अब हम बीच के 12 फंदे जो हैं उसमें हम केबल बनाएंगे। जैसे इस रो में पांच थी अब तीन हो जाएंगी, तो ये केबल वैसे ही बनाएंगे जैसे हम पहले से बनाते आ रहे हैं इस तरह से।
देखिए इसी तरह से हम दोनों तरफ से एक एक फंदा घटाते जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइम हमारी दो बनेंगी, फिर एक बनेगी केबल, और हमारे पास पांच बॉर्डर के और पांच बॉर्डर के 10 ये और बीच के 4 फंदे, 14 फंदे रह जाएंगे इस तरह से। तो हम जब 14 फंदे रह जाएंगे तो ये 12 सिलाई उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये यहाँ पर देखिए मैंने बॉर्डर भी बना लिया और यहाँ से अब हम फंदे उठाएंगे। ये मैं सिलाई से ही बंद करूंगी तो इसलिए यहाँ से फंदे उठा रही हूँ। पर देखिए मैंने स्टार्टिंग में भूल ही गई कि इसको मैंने बंद करना है तो ज्यादा धागा छोड़ू, तो अब ये कम हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इसको अटैच करेंगे एक नया धागा इसके साथ। ये धागा कैसे अटैच करेंगे, देखिए ये बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे गांठ खुलती भी नहीं है और बिल्कुल नजर भी नहीं आती। ये देखिए ये हम दोनों इस तरह से अटैच करेंगे इस तरह से, और फिर इसको 1 और 2 इस तरह से फोल्ड करेंगे अंगूठे पे, और फिर ये धागे के बीच में से इस तरह से लेंगे और इनको धागे को जो है दोनों को लेके फोल्ड करेंगे और इस तरह से खींच लेंगे। ये देखिए ये कितनी क्लीन और छोटी सी नोट बनी है। ये अब जब हम बनाएंगे इस पे दिखाई भी नहीं देगी कि ये नोट लगी है, और ये खुलती भी नहीं है, खूब टाइट, ये देखिए बहुत टाइट है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर मैंने 14 फंदे उठाने हैं, तो ये जो फंदा है ये वी वाला, उसमें से हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदे उठाते जाएंगे। ये देखिए अब ये गांठ इसमें आ गई और ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर हमने नया धागा अटैच किया है। ये यहाँ पर 14 फंदे मैंने उतार लिए। अब हम इसको ओपोजिट साइड में इस तरह से रखेंगे और इसको बंद करेंगे। आप चाहें तो इसको सुई से भी बंद कर सकते हैं, पर मैं सिलाई से ही बंद करूंगी। दूसरी सिलाई का जो धागा है वो साथ में ले लेंगे और इसको ये उल्टा बुनेंगे 2 फंदों को। बस इसी तरह से ये सारे फंदे बंद कर लेंगे। ये हेडबैंड बनकर तैयार है, देखिए इस साइड से और इस साइड से। काफी इजी डिजाइन है और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप आराम से ये बना लेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।